अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, आज हम तैयार करेंगे इस गाड़ी का ये वाला पीस। तो फाइनली मैंने इसको तैयार कर लिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहले बहुत बुरे तरीके से ख़राब था और हम लोगों ने इसको रिपेयर किया, ये डैमेज हुआ हुआ था। तो अब माशाल्लाह इसके आप देख सकते हैं, इसका ये वाला लेवल ये भी बराबर हो चुका है। देखें माशाल्लाह, इसका ये वाला प्राइमर ही रहेगा, क्योंकि इसका प्राइमर जो ग्रीन ग्रे आता है वो लगाएंगे हम, और उसके बाद ऊपर हल्का हल्का ऐसा ब्लैक जो पेंट है वो उड़ा देंगे इसके ऊपर। तो उसके बाद बहुत ही काम की चीज़ लेके हम आज और आप लोगों के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये बेसिकली नॉर्मल बोल्ट है जो हम लगाते हैं। तो इससे मैं क्या करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मोबाइल का जो कैमरा है वो मैं बैक ऑन करता हूं, तो आप लोगों को दिखाता हूं कि ये क्या काम करेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी से आते हैं ये वाले स्पार्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे इधर भी लगे हुए हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखें, ये वाले जो स्पार्ट नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, तो ये स्पार्ट बनेंगे इस बोल्ट से। ये वाले जो स्पार्ट है ना, अभी मैं इसी बोल्ट की मदद से बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो स्पार्ट हैं वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं, क्यों यहाँ पे हम लोगों ने वेल्डिंग किया और वेल्डिंग के बाद मजून से इसका लेवल बराबर किया हुआ है। तो अब जो इसके स्पार्ट हैं वो इसकी मदद से बनेंगे, ये वाला जो बोल्ट है इसकी मदद लेंगे हम, प्राइमर लगाएंगे, और प्राइमर लगाने के बाद इसको ऐसा इधर रखेंगे और बराबर रख के हल्का से इसको घुमाना है बस, और इसको वापस उठाएँगे तो सेम हमारी ये वाली चीज़ जो है ये बन जाएगी। तो चलें देखते हैं, अब इसको प्राइमर लगाते हैं फाइनल, और उसके बाद देखेंगे कि मैंने इसको कैसे तैयार किया, और आप लोगों को ये मेरा काम कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो ये वाला आइडिया कैसा लगा, सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने उसी बोल्ट की मदद से ये चीज़ें जो हैं वो बना दी हुई हैं, आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपरली बराबर बन गई हुई हैं, और जो कंपनी की बनी हुई है वो वाली ये नज़र आ रही है इधर, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो वो बनी हुई है, और मैंने अभी जो अपनी बनाई है वो ये नज़र आ रही हैं। तो फाइनल जब इसको पेंट लगेगा और उसके बाद ये और भी क्लियर हो जाएंगी और बराबर नज़र आएंगी, जैसा कि ये कंपनी की नज़र आ रही हैं। तो अभी इसकी हल्की हल्की सैंडिंग होगी, उसके बाद फाइनल हम लोग इसको पेंट लगाएंगे, और पेंट लगाने के बाद ये वाली जो चीज़ें हैं जो मैंने स्पॉट बनाए हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो अभी फाइनल इसको पेंट लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं। स्पॉट है आप देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्लोज में जाएंगे देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। तो देखें ये वाला स्पॉट, ये ऐसा लग रहा है जैसा कंपनी से ही बनाया हुआ है, लेकिन बनाया तो इन्हीं हाथों ने है। तो माशाल्लाह देखें, फाइनल पेंट लगाने के बाद ये कैसे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम चकास और बराबर नज़र आ रहे हैं, देखें। तो किंडर कोड लगाने की वजह से वो इसके अंदर भी नज़र आ रहे हैं, इधर भी नज़र आ रहे हैं स्पॉट, लेकिन वो ऊपर बने हुए हैं, देखें माशाल्लाह बहुत ही क्लियर हो गए हैं। और ये वाले ये कंपनी के हैं, और मेरे वाले ये वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है माशाल्लाह। इसकी जो ब्लैक पेंट है इस गाड़ी का वो ऐसा इधर आके ब्लैक हो जाता है, और जैसे ही इस फेंडर के अंदर की तरफ जाता है तो यहाँ पे ये इसका प्राइमर नज़र आएगा। तो मैंने भी उसी तरीके से यहाँ से ये वाला हिस्सा मैंने पेंट नहीं किया, मैंने यहाँ से लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी प्राइमर नज़र आ रहा है, और हम लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखें नीचे से प्राइमर भी नज़र आ रहा है, और बाकी इधर बराबर ब्लैक नज़र आ रहा है और क्लियर कोट लगा दिया हुआ है। तो अभी हम इसको, अभी ये वाला जो पीस है ये नया नया नज़र आ रहा है, तो इसको हम लोग पुराना भी करेंगे, जैसा कि इधर से नज़र आ रहा है ये वाला जो नज़र आ रहा है हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये वाली जो मट्टी लगी हुई है हम लोग ऐसा ही बना देंगे, इसको पुराना करेंगे। तो अभी जो ये वाला जो फ्रेश है ये थोड़ा ड्राई होएगा, और ड्राई होने के बाद मैं इसको बिल्कुल पुराना बना दूंगा, दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसा ये बनाया ही नहीं कभी किसी ने। तो
तो जैसे कंपनी चाहता है सेम टाइम मैंने वैसा ही बना दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बन गया हुआ है। और अभी इसका कैमरा जो है वो बैक ऑन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे मैंने बनाया और फाइनल पेंट जो इसका लगाया उसकी लुक कैसे नज़र आती है। तो बने रही वीडियो के साथ, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी को पुराना कर दिया हुआ है, अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसको पेंट भी नहीं किया माशाल्लाह। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।